गुड आफ्टरनून बच्चों, जल्दी से अपने वीडियोस ऑन करिए। हर क्लास में सबसे पहले आके मुझे यही बोलना पड़ता है। ओके, जल्दी से सब बच्चे अपने वीडियोस ऑन करिए। तो चलिए बच्चों, आज हमारे चैप्टर ऑर्गेनाइजिंग की लास्ट क्लास है, ठीक है। आज हमारे चैप्टर खत्म हो जाएगा और कल हम अपना नया चैप्टर स्टाफिंग शुरू करेंगे, ठीक है। और मंडे को आपका एग्जाम है ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर का, उसको भी क्लास के बाद एक बार डिस्कस कर लेंगे। 1 o'clock पर एग्जाम होएगा, सब्जेक्टिव टाइप, अगेन सब्जेक्टिव टाइप एग्जाम है। आपको एमसीक्यूज, मतलब एमसीक्यूज नहीं, आपको पूरा का पूरा चैप्टर अच्छे से प्रिपेयर करना है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ सब्जेक्टिव एग्जाम। तो आपको लिखना पड़ेगा, दो मोबाइल फोन आपके पास होने चाहिए, वो मैं सब आपको बताऊंगा। आज क्लास में हमें दो क्वेश्चंस करने हैं, इनफैक्ट एक ही क्वेश्चन करना है जिसका नाम है इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, और उसके बाद हमें 2-3 1 मार्क के क्वेश्चंस करने हैं। ये करने के बाद मैं आपको आगे का बताऊंगा कि आगे के कुछ चैप्टर्स मैं आपको वीडियो से करवाऊंगा, क्योंकि कुछ बच्चों के स्कूल में एग्जाम्स है, तो मैं आपको आगे का स्केड्यूल, नेक्स्ट वीक का स्केड्यूल आपको सब बताऊंगा। इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है, क्लास खत्म होने के बाद भी जब हमारा टॉपिक खत्म हो जाए प्लीज लीव मत करिएगा, एक दो बातें आज हमें डिस्कस करनी है। हाँ जी बच्चे बोलो। और आज सर हमारी क्लास कितनी देर की है? हमारी क्लास 1 घंटे की, 2 बजे तक सब कुछ खत्म हो जाएगा। ओके सर, ठीक है, चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। तो लास्ट क्लास में जो हमने किया था वो हमारा डेलीगेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन था, ठीक है। और अच्छा, एक और बात, हमारा जो प्लानिंग पेपर हुआ था लास्ट, उसकी डिस्कशन अभी नहीं हो पाई है, तो उसका भी हम टाइम डिस्कस कर लेंगे आज ही, कि हम उसकी डिस्कशन क्लास कब रख सकते हैं। मैंने आप लोगों को मार्क्स तो भेज दिया था, कुछ बच्चों ने तो एक्सेप्शनली बहुत ही अच्छा किया है पेपर, कुछ बच्चों ने प्रेजेंटेशन वगैरह भी बहुत ध्यान दिया है। मैं उन सब बच्चों का नाम वगैरह भी आपको बताऊंगा, हो सका तो उनका पेपर भी आपको दिखाऊंगा, ठीक है। चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। देखो बच्चों, मैं आप लोगों को ऐसा लग सकता है कि सर ये जो क्वेश्चन होता है हमारा इंपॉर्टेंस का, आप हमेशा लास्ट में क्यों करवाते हो? चाहे वो कोई भी चैप्टर हो, चाहे वो प्रिंसिपल्स का चैप्टर की वीडियोस हो, चाहे वो कोई भी चैप्टर हो, मैं इंपॉर्टेंस का क्वेश्चन हमेशा उस चैप्टर की लास्ट क्लास में ही करवाता हूँ। इसके पीछे एक वजह है, और वो वजह ये है बच्चों कि जब हम पूरा चैप्टर पढ़ चुके हैं ना, जब हम डेलीगेशन कर चुके हैं, डिसेंट्रलाइजेशन कर चुके हैं, जब हम किसी भी चैप्टर को पूरा कर लेते हैं, तो हम उस फंक्शन की इंपॉर्टेंस को ज्यादा अच्छे से समझ सकते हैं, क्योंकि आप अभी महसूस करोगे काफी पॉइंट्स डेलीगेशन और डिसेंट्रलाइजेशन से यहाँ पे आए हैं। इंपॉर्टेंस काफी पॉइंट्स की डेलीगेशन और डिसेंट्रलाइजेशन से लिंक्ड है। अब अगर मैं आपको फर्स्ट क्लास में ये टॉपिक करवा देता तो आपको तब तक डेलीगेशन और डिसेंट्रलाइजेशन पता ही नहीं था कि डेलीगेशन डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है। इसलिए हमेशा मेरा ये मानना है कि हमेशा इंपॉर्टेंस को लास्ट में कराना चाहिए, जब तक बच्चा पूरा और सब कुछ जो चीजें है वो कर चुका है। अगेन मैं कुछ बच्चों के नाम ले रहा हूँ, ये बच्चों ने वीडियो ऑफ कर रखे और इनको अनन्या, आद्या, अंश, आर्यन, अस्मित, ये सब बच्चे अपने वीडियोस ऑन करिए। हरिद्या आप भी, ख्वाहिश आप भी, कृष, लक्ष्य, मेहुल, मिलन, मोहक, बच्चों ये सब वीडियोस ऑन करिए, वरना क्लास के बाहर चले जाइए। अगर आपको कुछ, आप ज्यादा इंपॉर्टेंट काम कर रहे हो तो आप क्लास के बाहर चले जाइए, कोई दिक्कत नहीं। चलिए बच्चों, तो सबसे पहले जैसा हम हमेशा करते हैं, हम इंपॉर्टेंस की सिर्फ और सिर्फ हेडिंग्स पे ध्यान देंगे, फिर मैं इसके दो स्लैंग बताऊंगा, आपको जोन सा पसंद आया वो कर लीजिएगा। पहले हम सिर्फ और सिर्फ हेडिंग्स की ध्यान हेडिंग्स पे ध्यान देते हैं, बिल्कुल भूल जाना कि अंदर क्या लिखा हुआ है, सोचने की जरूरत ही नहीं है। सबसे पहले हेडिंग क्या है इसकी, कि ऑर्गेनाइजिंग अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में होती है, कंपनी में होती है, तो उस कंपनी में जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो अच्छी हो जाती है, वो इफेक्टिव हो जाती है। आप लोगों को अगर बोर्ड क्लियर दिख रहा है तो बोर्ड पे देखिए, अगर बोर्ड क्लियर नहीं दिख रहा आप लोगों को तो ओपन योर नोट्स ऑन पेज नंबर 5.2 पे अपने नोट्स ओपन करके रखिए, अगर बोर्ड नहीं दिखा। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंस क्या हो गया कि ऑर्गेनाइजिंग के होने से जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन की एक एडमिनिस्ट्रेशन है, मैनेजमेंट है, वो अच्छी हो जाती है, वो इफेक्टिव हो जाती है। सेकेंड पॉइंट यह है कि अगर किसी कंपनी में ऑर्गेनाइजिंग होती है, काम तरीके से होता है, तो उस कंपनी में जो रिसोर्सेज है उसका ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन होता है, वेस्टेजेस कम होती है, और उसका जो उससे काम निकलना है, मतलब जो काम होना है वो ज्यादा होता है। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज डिटेल में बात करेंगे, अभी सिर्फ हेडिंग्स पर ध्यान दीजिए। थर्ड क्या है कि अगर किसी कंपनी में ऑर्गेनाइजिंग होती है तो उस कंपनी को स्पेशलाइजेशन के बेनिफिट्स मिलते हैं। हमने पढ़ा ही था कि हम काम को लोगों में बांटते हैं और हम वो काम उसी बंदे को देते हैं जो जिस काम को कर सकता है, तो एक ही काम को बार बार करके क्या होगा, वो स्पेशलाइजेशन गेन कर जाएगा, और जब वो स्पेशलाइजेशन गेन कर जाएगा तो कंपनी को उसके बेनिफिट्स मिलेंगे। फोर्थ पॉइंट मैंने बोला कि अगर किसी कंपनी में ऑर्गेनाइजिंग हो रहा है तो उस कंपनी में क्लैरिटी रहेगी वर्किंग रिलेशनशिप में,
सब लोगों को पता रहेगा कि उनको ऑर्डर किससे लेने हैं, किसको ऑर्डर देना है, किसी के मन में कोई डाउट नहीं होगा कि उसका रोल क्या है ऑर्गेनाइजेशन में, उसका पर्पस क्या है ऑर्गेनाइजेशन में। लेकिन ये तभी होगा जब एक कंपनी में ऑर्गेनाइजिंग होगी। जसप्रीत, आर्यन, प्लीज स्विच ऑन योर वीडियोस। आगे, अगर कोई कंपनी में ऑर्गेनाइजिंग होती है तो वो कंपनी ज्यादा इजीली चेंजेस को, जो मार्केट में चेंजेस हो रहे हैं, उन चेंजेस को ज्यादा इजीली अडैप्ट कर पाएगी देन एक ऐसी कंपनी जो कि बिल्कुल ही अनऑर्गेनाइज तरीके से चल रही है। तो अगर कोई कंपनी ऑर्गेनाइज तरीके से चल रही है तो वो चेंजेस को इजीली अपने उसमें, अपनी ऑर्गेनाइजेशन में उनको अडैप्ट कर पाएगी। नेक्स्ट है हमारा कि एक ऑर्गेनाइजेशन जिसमें ऑर्गेनाइजिंग हो रही है उसमें ग्रोथ एंड एक्सपेंशन बहुत ईजी रहता है, हम बहुत ईजिली अपने ऑर्गेनाइजेशन की एक्सपेंशन के बारे में सोच सकते हैं। एंड लास्ट पॉइंट कहता है कि अगर कोई कंपनी ऑर्गेनाइज्ड तरीके से वर्क कर रही है तो उस कंपनी में जो लोग हैं उनकी ज्यादा डेवलपमेंट होगी बजाय एक ऐसी कंपनी जहां पे अनऑर्गेनाइज तरीके से काम चल रहा है। तो अगर एक कंपनी में ऑर्गेनाइज तरीके से काम चल रहा है तो वहां पे लोगों की डेवलपमेंट ज्यादा होने के चांसेस है। अब बच्चों, ये हमारे 7 पॉइंट्स है। मैं सारे 7 पॉइंट्स की जो फर्स्ट लेटर है उसको अंडरलाइन करता हूँ। तो मैं दो स्लैंग बनाऊंगा। एक स्लैंग तो देखिए यहां पे, each OBC applicant is extremely dumb. अब किसी बच्चे के को ये टच ना हो जाए, थोड़ा सा बुरा ना लग जाए, इसलिए दूसरा भी मैंने बना दिया, बे carries DO. आपको जॉन सा पसंद आया आप इसको याद कर सकते हैं, बे कैरीज डीओ, सारे उसके भी फर्स्ट लेटर है। और अगर आपको ये सही लगता है तो आप ये याद कर सकते हैं, ईच ओबीसी, ओबीसी आपको पता ही है, ईच ओबीसी एप्लीकेंट इज एक्सट्रीमली डम। तो जल्दी से एक बार पहले हेडिंग्स को याद करने की कोशिश करते हैं। मैं इससे करा रहा हूँ आपको याद, तो ई से क्या हो गया बच्चों, इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन, ओ से क्या हो गया, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, बी से बेनिफिट्स ऑफ स्पेशलाइजेशन, सी से क्लैरिटी इन वर्किंग रिलेशनशिप, ए से अडैप्टेशन टू चेंज, ई से क्या हो गया, एक्सपेंशन एंड ग्रोथ, और डी से क्या हो गया, डेवलपमेंट ऑफ पर्सोनल। तो जल्दी से आप जिससे भी याद करना चाहे जल्दी से करिए। एक बार फिर से बोलते हैं, ई से क्या हो गया बच्चों, इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन, ओ से ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, बी से बेनिफिट्स ऑफ स्पेशलाइजेशन, सी से क्लैरिटी इन वर्किंग रिलेशनशिप, ए से अडैप्टेशन टू चेंज, ई से एक्सपेंशन एंड ग्रोथ, और डी से क्या हो गया, डेवलपमेंट ऑफ पर्सोनल। एक बार फिर से बोलेंगे सारे, ई से क्या हो गया, इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, ओ से ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, बी से बेनिफिट्स ऑफ स्पेशलाइजेशन, सी से क्लैरिटी इन वर्किंग रिलेशनशिप, ए से अडैप्टेशन टू चेंज, ई से एक्सपेंशन एंड ग्रोथ, एंड उसके बाद हमारा जो डी है उससे क्या हो जाएगा, डेवलपमेंट ऑफ पर्सोनल। जल्दी से याद करिए, मैं आपको 5 मिनट्स दे रहा हूं, पहले याद करिए जल्दी से, सिर्फ हेडिंग्स अंदर के बारे में भूल जाइए बिल्कुल। ओके बच्चों, लास्ट टाइम बोलते हैं, जल्दी से मेरे साथ सब बोलेंगे, ई से क्या है, इफेक्टिव मैनेजमेंट, इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन, ओ से क्या है, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, तपस्विनी और दक्ष वीडियो ऑन करिए, ओके, बी से क्या है, बेनिफिट्स ऑफ स्पेशलाइजेशन, सी से क्या है, क्लैरिटी इन वर्किंग रिलेशनशिप, ओके आगे चलते हैं, ए से क्या है बच्चों, ए से अडैप्टेशन, ई से ही आप लोग नहीं करेंगे, तीन बार सिर्फ हेडिंग हेडिंग लिखिए नोट्स में। वासु बिना देखे लिखिए, बिना देखे,
वानी दिव्यांशी अपना वीडियोस ऑन करिए, आद्या ड्रोन आप भी, विश्वास आर्यन बच्चों जल्दी से 3 बार हेडिंग्स लिखिए। चलिए बच्चों लिख लिया। ओके जल्दी से एक बार फिर से बोलते हैं साथ ही साथों के साथ वेडिंग, एंड देन अपने डिस्कशन पे चलते हैं। तो ई से क्या है बच्चों, जल्दी से बोलिए। ई से क्या है? इफेक्ट एडमिनिस्ट्रेशन। सी से डायरेक्टली वर्किंग रिलेशनशिप। ओके ई से एक्सपेंशन एंड ग्रोथ। एक्सपेंशन एंड ग्रोथ। एक्सपेंशन एंड ग्रोथ। बी से क्या है? Benefits of specialization. और से? Optimum utilization of resources. And D से क्या है? D. Development of personal. आपको समझ में आ गया? अब सुनिए, यहाँ ध्यान दीजिएगा सिर्फ। पहले हम डिस्कस करेंगे एक-एक पॉइंट को, एंड देन उनको नोट्स में से पढ़ेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट हमारा क्या कहता है? इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। देखो बच्चों, ऑर्गेनाइजिंग में हमने पूरे चैप्टर में एक चीज देखी कि ऑर्गेनाइजिंग का मेन मकसद क्या है, कि हम क्लियरली बता दे सबको कि क्या क्या काम कोई करेगा। अभी हमने किसी को रखा नहीं है, लेकिन हम क्लियरली बता देते हैं कि इस पोजीशन पे जो भी पर्सन होएगा उसके ये काम है, इस पोजीशन पे जो भी पर्सन होएगा उसका ये काम है, इस पोजीशन पे जो भी पर्सन होएगा उसका ये काम, इस पोजीशन पे ये भी काम है, ये इसको रिपोर्ट करेगा, ये इसको रिपोर्ट करेगा। तो क्या मतलब हुआ? जब हर इंसान को ये पता होएगा ऑर्गेनाइजेशन में कि उसका काम क्या है और उसके मतलब उसके पावर्स क्या है, तो किसी के भी मन में कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगी और कोई भी डुप्लीकेशन ऑफ वर्क नहीं होएगा। एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिस पर सब लोगों का अपना काम पता है, क्या उस ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज करना मुश्किल होएगा या उस ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज करना आसान होएगा? ऑब्वियसली उसको मैनेज करना आसान होएगा। तो एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जहां पर सब लोगों को अपना अपना काम पता है, उस ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज करना आसान हो जाता है, एंड दैट इज वाई इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। बच्चों मैं आपको समझा रहा हूँ, अगर आपको किसी भी पॉइंट पर डाउट आता है एक बार अपने क्वेरी रेस कर दीजिएगा, अदरवाइज मैं मान के चल रहा हूं कि आपको समझ में आ रहा है। सेकंड पॉइंट कहता है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। तो इसको समझते हैं, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में 3 तरीके के रिसोर्सेज होते हैं। वो कौन से होते हैं? मटीरियल रिसोर्स, फाइनेंशियल रिसोर्स और ह्यूमन रिसोर्स। और ह्यूमन रिसोर्स, तो ये जो तीनों रिसोर्सेज होते हैं, आप हम लोगों को पता ही है कि हमने जो प्रोसेस का क्वेश्चन किया था, प्रोसेस वाला जो टॉपिक किया था, उसमें जो हमारा थर्ड चैप्टर था असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज, उसमें हमने देखा था कि बेस्ट अगर रिजल्ट हम चाहते हैं तो हमें काम उसी पर्सन को देना चाहिए जो उस काम के लिए सही पर्सन, सही बंदा है। तो अगर हम सही लोगों को सही काम देंगे तो हमारे रिसोर्सेस का मोस्ट ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो पाएगा और जो वेस्टेजेस है वो कम से कम होगी और जो काम है वो ज्यादा से ज्यादा होगा। एंड ऑर्गेनाइजिंग ये इंश्योर करता है कि सब लोग जो भी हम काम जिस भी पोजीशन को दे रहे हैं वो पर्सन उस काम को करने के लिए ठीक हो। अगेन आपके मन में डाउट आएगा कि सिर्फ पर्सन को भी रखा ही नहीं है, बिल्कुल नहीं रखा पर्सन। अभी हम यही कह रहे हैं कि यहाँ पे जो भी पर्सन आएगा उसको ये काम आने चाहिए, यहाँ पे जो भी पर्सन आएगा उसको ये काम आने चाहिए। तो हम क्या कर रहे हैं, हम काम को हम वर्क को हम ड्यूटीज को क्लियरली डिफाइन कर रहे हैं कि जब हम उन लोगों को रखेंगे नेक्स्ट फंक्शन में जाके स्टाफिंग में, तो वो हम उन्हीं पर्सन को रखें जिनसे जो हमारे काम को करने के लायक है। तो अगर हम सही काम सही पर्सन को देंगे तो वेस्टेजेस कम होगी और जो हमारी एफिशिएंसी है, हमारी जो इफेक्टिवनेस है वो बढ़ेगी और जिससे हमारा ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो पाएगा। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन का मतलब क्या होता है? ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन का मतलब होता है दैट द रिसोर्सेज आर यूज्ड
in such a manner that they give maximum output with minimum wastages. Okay, next point पे चलते हैं. The benefits of specialization point क्या कहता है? जैसे आपने देखा था कि एक line में बोलूँगा, इसमें मैं mark भी लगाऊँगा. Organizing lead, मेरे point को सुनना, मैं जो बोल रहा हूँ, ये one mark में भी आ जाता है. Organizing leads to systematic allocation of tasks among the workforce. मैंने क्या बोला? एक बार फिर से repeat करता हूँ. Organizing leads to systematic allocation of tasks among the workforce. तो इसका क्या मतलब हुआ कि organizing से सब लोगों में जो काम है वो एक systematic तरीके से बढ़ जाता है. इससे क्या होता है कि एक person अपने एक काम को बार बार करता है और क्योंकि वो एक काम को बार बार करता है, repetitively करता है, तो वो क्या gain कर जाता है, वो उस काम में क्या gain कर जाता है, specialization. और जब एक पर्सन को एक काम को करते हुए स्पेशलाइजेशन हो जाती है तो उससे क्या होती है, उसकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है और क्योंकि उसकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है उसका बेनिफिट्स पूरी ऑर्गेनाइजेशन को मिलता है. तो अगेन मैं क्या बोलूंगा, कैसे स्पेशलाइजेशन का बेनिफिट मिला एक ऑर्गेनाइजेशन को, क्योंकि एक ऑर्गेनाइजिंग से सब लोगों के बीच में जो काम है वो सिस्टमैटिकली डिवाइड होता है. हर पर्सन अपना अपना ही काम करता है, कोई किसी और का काम नहीं करता और एक ही काम को बार बार कर करके एक एम्प्लॉई क्या गेन करता है, एक एम्प्लॉई एक्सपीरियंस गेन करता है, स्पेशलाइजेशन गेन कर जाता है, इसका बेनिफिट पूरी ऑर्गेनाइजेशन को मिलता है. एक मिनट बच्चों, एक सेकेंड. ओके, तो आइए हमारे तीन पॉइंट्स हो गए, फोर्थ पॉइंट पे चलते हैं. क्लैरिटी इन वर्किंग रिलेशनशिप, ये तो बहुत इजी है, तो हमने पढ़ा ही था कि ऑर्गेनाइजिंग, अगेन सेम पॉइंट है, ऑर्गेनाइजिंग मेक्स इट क्लियर कि हर इंसान का जो काम है वो क्लियरली पता हो, हर पोजीशन के क्या ड्यूटीज है, क्या अथॉरिटीज है, क्या पावर्स है, वो हर पर्सन को अच्छे से पता हो. जब सब लोगों के पक्को अपना अपना काम पता होएगा तो किसी के भी मन में कंफ्यूजन नहीं रहेगी. बच्चों, कंफ्यूजन के लिए एक अच्छा वर्ड है जिसको मैं आपको लिखवा रहा हूँ, एम्बिग्यूटी. ये ऐसा नहीं है कि एक मतलब बहुत ही कोई मुश्किल वर्ड है, एक नॉर्मल इंग्लिश का वर्ड है, आप अपने लाइफ में भी यूज कर सकते हो. आई हैव नो एम्बिग्यूटी इन माई माइंड, मतलब क्या हुआ, आई हैव नो कंफ्यूजन इन माई माइंड. तो एम्बिग्यूटी इज अ नॉर्मल इंग्लिश वर्ड, एंड देयर विल बी नो एम्बिग्यूटी इन द माइंड्स ऑफ द सबॉर्डिनेट्स वर्किंग रिगार्डिंग व्हाट रोल दे हैव टू प्ले इन द ऑर्गेनाइजेशन. सबको अपना अपना काम अच्छे से पता होगा. बच्चों, अडैप्टेशन टू चेंज पॉइंट को मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं. देखिए, बात सुनिए, समझिए इसको, इस तरीके से समझिए. मान लीजिए जो मेरा घर है ये बना हुआ है, मान लीजिए 20 साल पहले बना था. अब मुझे इस घर में, अच्छा इसमें कोई भी मैप वैप नहीं था, सब ऐसे ही बना हुआ था, मेरे पास अभी कुछ नहीं है. मुझे इस घर में मेजर एक रिपेयर करना है. मैं चाह रहा हूँ ये जो मेरी दीवार है, ये जो मेरी वॉल है, मैं इसको ब्रेक करना चाह रहा हूँ और मैं इस कमरे को बड़ा करना चाह रहा हूँ. अब दो चीजें हो सकती है, थोड़ा सा मैं आपको समझाता हूँ. अगर तो ये वॉल है जिसके ऊपर इस घर का वेट है, जिसको हम वेट बियरिंग वॉल कहते हैं, अगर तो ये वॉल है जो इस घर के वेट को लेके बैठी हुई है और मैंने इसको तोड़ दिया तो ये घर नीचे गिर जाए. और अगर ये वॉल वेट बियरिंग वॉल नहीं है, ये ऐसे ही बनाई गई है, तो मैं इसको तोड़ दूंगा तो घर में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी. अब मेरे पास मैप नहीं है, मेरे पास इस घर का नक्शा नहीं है, तो मैंने क्या किया, मैंने इसको तोड़ दिया और पता चला सब कुछ नीचे आ गया, क्योंकि ये एक वेट बियरिंग वॉल थी. ठीक है, अब दूसरा तरीका, इसलिए क्योंकि मेरे पास इसका नक्शा नहीं था, इसका मैप नहीं था, तो मैंने क्या कहा, मैंने अपने उस लेबर को कहा, भाई तू उसको मत तोड़, पता नहीं क्या होएगा, रहने दे, जैसा चल रहा है वैसे ही चलने दे. तो हम अपने घर में रेनोवेशन करना चाहते थे जो हम नहीं कर पाए. सब आजकल की डेट के हिसाब से जैसे घर बने हुए हैं, हम इसको चेंज नहीं कर पाए क्योंकि हमें पता ही नहीं था कि इस वॉल को तोड़ने से क्या घर का स्ट्रक्चर हिलेगा या नहीं हिलेगा. तो कहने का क्या मतलब है, अब दूसरा सिनेरियो, मान लीजिए मेरे पास इसका मैप होता, जब एक घर बना था, कोई भी घर जब बनता है तो उसका मैप होता है, मेरे पास अगर उसका मैप होता, अगर हमने ऑर्गेनाइज तरीके से काम किया होता और मैंने पहले जब इसको बनाया था इसका मैप होता, और आज मैं उस मैप को देखता और मैं देखता कि ये वॉल जो है इस वॉल में वेट नहीं है, मैं इसको तोड़ सकता हूँ, अपने हिसाब से हटा सकता हूँ, तो मैं इसको हटा लेता और जो मेरे को रेनोवेशन करनी थी घर में, मैं उस रेनोवेशन को कर लेता. और आज के हिसाब से जो आजकल नई नई चीजें बनी है, जैसे ओपन किचन है, ओपन लिविंग रूम है, तो जिस तरीके का आज के घर है, ये घर बना हुआ पुराना, तो जिस तरीके के आज के घर है, मैं अपने घर को रेनोवेट करके आज के हिसाब से बना लेता.
अब कहने का क्या मतलब हुआ कि जहां पे ऑर्गेनाइज तरीके से काम होता है, जैसे मैंने एग्जांपल दिया, वहां पे हम चेंजेस को इजीली अडैप्ट कर पाते हैं, लेकिन जहां पे ऑर्गेनाइज तरीके से काम नहीं होता वहां पे हम चेंजेस को अडैप्ट नहीं कर पाते। अब अगर मेरे पास इस घर का नक्शा या मैप नहीं है तो मेरे पास ऑप्शन ही नहीं है, मेरे पास सिर्फ एक ऑप्शन है, एक ऑप्शन, दो ऑप्शन है। दो ऑप्शन क्या है कि या तो मैं जैसे चल रहा चलने दूं, या दूसरा ऑप्शन ये है कि पूरे घर को डीप वो करके, मतलब पूरा डिस क्या कहते हैं इसको, तोड़ के फ्रॉम स्टार्ट से नया बनाऊं जैसे मैं चाहता हूं आज की डेट में। तो कहने का क्या मतलब है कि जब हम ऑर्गेनाइज तरीकों से काम को करते हैं तो वी आर एबल टू अडैप्ट टू द चेंजेस, बट जब हम ऑर्गेनाइज तरीके से काम को नहीं करते तो चेंजेस को अडैप्ट कर पाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। ऐसे ही ऑर्गेनाइजेशन में, अगर ऑर्गेनाइजेशन में सब लोगों को अपना अपना काम पता है कि ये मेरा काम है, ये मेरा काम है, ये मेरा काम है, मुझे इसको जवाब देना है, मेरे को इसको ऑर्डर देना है, और मान लीजिए हम उस ऑर्गेनाइजेशन में कुछ मेजर चेंजेस करना चाहते हैं, तो हम सब लोगों को उनका काम क्या कर देंगे, रिवाइज कर देंगे। हम जैसे ये हमारा स्ट्रक्चर बना रहा है कि ये ऐसे लोग है, ये ऐसे ऐसे हमने स्ट्रक्चर बना रखा है, अब उनको चेंज करना चाहते हैं तो हम बोल देंगे इस पर्सन को कि अब से आप इसको रिपोर्ट नहीं करोगे, अब से आप इसको रिपोर्ट करोगे, अब ऐसे उसको बता देंगे। लेकिन अगर काम अनऑर्गेनाइज तरीके से चल रहा है, किसी को पता ही नहीं है कि कोई भी किसी को जवाब दे देता है, कोई भी किसी का काम कर देता है, किसी को कुछ पता ही नहीं है, तो हम उसमें चेंजेस को लाने में थोड़े से मतलब इनइफेक्टिव होएंगे, थोड़ा हमारे लिए वो मुश्किल होएगा, क्योंकि सारा काम हैपजर्ड एक एडहॉक बेसिस पर चल रहा है बजाय एक ऑर्गेनाइज तरीके से। तो कहने का मतलब क्या हुआ, जब किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम ऑर्गेनाइज तरीके से चलता है वो ऑर्गेनाइजेशन चेंजेस को भी बहुत इजीली अडैप्ट करने की क्षमता रखती है। ओके, आगे चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है एक्सपेंशन। ये पॉइंट तो बहुत इजी है, इसको मैं रिलेट करूंगा डिविजनल स्ट्रक्चर से। आपने अगर आपको याद हो, एक्सपेंशन बहुत इजी हो जाता है अगर हमारे पास, अगर हम ऑर्गेनाइज तरीके से काम करें। तो अगर आप याद करिए हम क्या कर सकते हैं डेलीगेशन से, इसको रिलेट करते हैं डेलीगेशन और डिविजनल स्ट्रक्चर से। मैं एक मैनेजर हूं, मैंने अपना काम जो मेरा रूटीन नेचर का काम है वो मैंने नीचे वाले लोगों को दे दिया, मेरा टाइम बचा, उस टाइम को मैं किस एक्टिविटीज पे लगा रहा हूँ, एक्सपेंशन की एक्टिविटीज पे लगा रहा हूँ। एक तो वहां से एक्सपेंशन हो सकती है, दूसरी अगर आप डिविजनल स्ट्रक्चर में याद करो कि जो सारी काम हो रही है ऑर्गेनाइजेशन में वो वैसे ही चलते रहेंगे, मेरे को एक और बिजनेस स्टार्ट करना है, मैं एक और बिजनेस स्टार्ट कर सकता हूँ विदाउट इफेक्टिंग द एग्जिस्टिंग ऑपरेशंस व्हिच आर गोइंग। तो एक ऑर्गेनाइजेशन जिसमें अच्छे से काम हो रहा है, ऑर्गेनाइज तरीके से काम हो रहा है, वो एक्सपेंशन करने की पोजीशन में ज्यादा अच्छी होती है देन एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जहां पे जो काम है वो एडहॉक बेसिस पे हो रहा है, कोई भी कुछ भी करे जा रहा है, किसी के मन में कोई क्लैरिटी नहीं। एंड लास्टली पॉइंट ये भी अगेन डेलीगेशन से रिलेट करूंगा कि जब हम डेलीगेशन करते हैं तो मैनेजर अपना टाइम फ्री कर पाता है और उस टाइम को अपनी डेवलपमेंट में लगा पाता है। अगर मैंने अपना कुछ टाइम फ्री कर लिया, जैसे मैं पहले आपको पढ़ाता भी था और मैं बैक ऑफिस के काम भी करता था, जो काम मैम कर रही है आजकल, अटेंडेंस लेना ये सब करना, अगर मैं वो काम भी करता था तो मेरे पास टाइम कम बचता था, लेकिन जब से मैंने वो काम मैम को दिया है तो मेरे पास टाइम बच रहा है और उस टाइम को मैं किस पे लगा सकता हूँ, आपको और अच्छे से पढ़ाने में, आपको आपके अपनी और डेवलपमेंट में, जिससे मैं आपको और अच्छी सर्विसेज दे पाऊँ। तो इससे तो मेरा डेवलपमेंट हुआ, प्लस जब मैम वो काम कर रही है जो पहले वो काम नहीं करती थी तो उनको भी तो कुछ सीखना पड़ेगा, उनको भी तो नई नई स्किल सीखनी पड़ेगी, तो कहीं ना कहीं उनका भी डेवलपमेंट होता है। तो दीज आर द सेवन पॉइंट्स, दीज विच आर मार्क्स द इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। एक बार सारे पॉइंट्स को हम नोट से पढ़ते, फिर एक दो वन मार्कर से वो करेंगे। तो एक बार फिर से हेडिंग देखते हैं, तो ई से क्या हो गया इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन, ओ से ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, बी से बेनिफिट्स ऑफ स्पेशलाइजेशन, सी से क्लैरिटी इन वर्किंग रिलेशनशिप, A से adaptation to change, E से expansion and growth, and D से development. एक मिनट वासु, D से development of personal. सब बच्चे books को खोलिए, वासु बताइए क्या doubt है आपका? Sir, वो ना थोड़ा एक बार fourth वाला point समझ नहीं आया. Fourth वाला point clarity in working relationship. ऐसा करते हैं वासु, एक बार ना read करते हैं notes में से, उसके बाद भी doubt आए तो एक बार मेरे को बताना, ठीक है? Okay sir. Okay. जल्दी से आइए notes पे. 5.2 पेज पे आइए. अगर स्लैंग नहीं लिखा तो स्लैंग लिख लीजिए, जौन सा पसंद आए वो लिख लीजिए, वन मार्कर्स में मार्क करवाता रहूंगा साइड बाय साइड। आइए, तो बेनिफिट्स ऑफ स्पेशलाइजेशन, पहली लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑर्गेनाइजिंग लीड्स टू। अच्छा बच्चों, जिन बच्चों ने अब नोट्स नहीं कलेक्ट किए, प्लीज अब विद इन दिस वीक, मतलब एट बाय द एंड ऑफ दिस वीक, प्लीज अपने नोट्स को कलेक्ट कर लीजिए। मैं स्टाफिंग के नोट्स को भेजूंगा सॉफ्ट कॉपी में आपको आज ही, लेकिन मैं आगे से नोट्स नहीं सेंड करूंगा, प्लीज अपने नोट्स कलेक्ट कर लीजिए,
क्योंकि अब तो ऑलमोस्ट हाफ ईयर भी हो चुका है, हाफ कोर्स. आपको जान के बड़ी खुशी होगी, आज ही हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा एंड आज हमारे 6 चैप्टर्स खत्म हो गए और 6 चैप्टर्स मतलब 50% कोर्स हमारा खत्म हो चुका है. और इतने इजीली हमने उनके टेस्ट भी किए, 6 और टेस्ट भी हो जाएगी हमारे मंडे तक, प्लस हमारे एमसीक्यूज भी हो गए. तो हमने बहुत अच्छे से अपने कोर्स को कवर किया है. आप लोगों का सपोर्ट है तभी हम ये कर पाए. आइए ओके तो सबसे पहला पॉइंट, ऑर्गेनाइजिंग लीड्स टू सिस्टमैटिक एलोकेशन ऑफ जॉब्स अमंग द वर्कफोर्स. इसको मार्क करिए सर, यहां पे बन मार्क का क्वेश्चन आ जाएगा बच्चों. ये लाइन आ जाएगी, ऑर्गेनाइजिंग हाइड हो जाएगा. इट लीड्स टू सिस्टमैटिक एलोकेशन ऑफ वर्क अमंग द वर्कफोर्स. फिर लिखा होगा व्हिच इंपॉर्टेंस इज हाईलाइटेड ओवर हियर. तो आपको पता होना चाहिए ये कहां पे कौन से पॉइंट पे था. मतलब आपको उल्टा क्वेश्चन आ जाएगा इस तरीके से, आपको पता होना चाहिए कि ये कौन से इंपॉर्टेंस के पॉइंट में था. दिस रिड्यूसेस द वर्कलोड एज वेल एज एनहांसेस द प्रोडक्टिविटी बिकॉज ऑफ द स्पेसिफिक वर्कर्स परफॉर्मिंग द स्पेसिफिक जॉब ऑन रेगुलर बेसिस. रिपीटेटिव परफॉर्मेंस ऑफ अ पर्टिकुलर टास्क अलाउज द वर्कर्स टू गेन एक्सपीरियंस एंड दैट लीड्स टू स्पेशलाइजेशन. जो भी बच्चों ने, मैं फिर से बोल रहा हूँ, वीडियोस ऑफ कर रखे है, जल्दी से वीडियोस ऑन करिए, बार बार मत मेरे को फोर्स करिए. अच्छे बच्चे बनो यार, इस तरीके से क्यों कर रहे हो. आइए नेक्स्ट पॉइंट, क्लैरिटी इन वर्किंग रिलेशनशिप. वास्तव में बस समझना, अगर नहीं समझ में आएगा तो मैं आपको बता दूं, द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ वर्किंग रिलेशनशिप क्लैरिफाइज द लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन. अंडरलाइन करिए लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन एंड स्पेसिफाइज हु हैज टू रिपोर्ट टू हुम. वास्तव यहां देखो, जब हम काम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे होते हैं तो हम सबको सब पोजिशन को बताते हैं कि ये पोजिशन में ये काम होगा, ये पोजिशन में ये काम होगा, ये पर्सन इसको रिपोर्ट करेगा, ये इसको रिपोर्ट करेगा. एक क्लियर मैप बना देते हैं कि किसी के मन में कोई कंफ्यूजन नहीं रहे कि वो किसका सुपीरियर है और वो किसका सबॉर्डिनेट है. दिस रिमूव्स एम्बिग्युटी. एम्बिग्युटी को सर्कल करिए और लिखिए एम्बिग्युटी का मतलब क्या होता है, कंफ्यूजन. दिस रिमूव्स एम्बिग्युटी इन ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन एंड इंस्ट्रक्शंस. जैसे आप लोग कह सकते हो देयर वाज नो एम्बिग्युटी इन आवर माइंड्स regarding whose classes we have to take. We choose the best teacher for BST, Rahul sir. So, मतलब ऐसे आप कह सकते हो, मतलब आपके मन में कोई confusion नहीं था इस चीज़ को लेके. Sorry, आगे चलते हैं. It helps in creating a hierarchical order, thereby helps in fixation of responsibility. तो मैं आपको फिर से समझाता हूँ, एक बार वास्तु के मन में doubt था. Point क्या कह रहा है कि जब हम organizing कर रहे हैं तो हम clear define कर रहे हैं कि कौन सा role कहाँ play किया जाएगा और कौन superior और कौन subordinate. और जब हम स्टाफिंग में लोगों को रखेंगे तो उनको सबको ये पता होगा कि हम इस पोजीशन पे काम कर रहे हैं, इस पोजीशन पे हमारा ये काम है, हमारे ये पावर्स है और हम इसको ऑर्डर दे सकते हैं और इससे ऑर्डर ले सकते हैं. बेसिकली एक हायरार्कियल जो नेटवर्क होता है, जो हायरार्की होती है ऑर्गेनाइजेशन की, वो सेट हो जाएगी और किसी के मन में भी कोई भी डाउट नहीं रहेगा, कोई भी एम्बिग्युटी नहीं रहेगी कि उसका काम क्या है ऑर्गेनाइजेशन में, उसका रोल क्या है ऑर्गेनाइजेशन में. बताइए वास्तु, समझ में आया अब आपको. हाँ सर, आगे थैंक यू. आगे चलते हैं फिर, थर्ड पॉइंट पे चलते हैं, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज. ऑर्गेनाइजिंग लीड्स टू प्रॉपर यूसेज ऑफ मटेरियल. तीन वर्ड्स को अंडरलाइन करिए, मटेरियल, फाइनेंशियल एंड ह्यूमन रिसोर्स. द प्रॉपर असाइनमेंट ऑफ जॉब्स अवॉइड्स ओवरलैपिंग. अंडरलाइन किए, अवॉइड्स ओवरलैपिंग ऑफ वर्क एंड मेक्स इट पॉसिबल टू यूज द बेस्ट यूज ऑफ रिसोर्सेज. अवॉइडेंस ऑफ डुप्लीकेशन ऑफ वर्क हेल्प्स इन प्रिवेंटिंग कंफ्यूजन. ओके, adaptation to change pe chalte hain. The process of organizing allows a business enterprise to adapt itself. Idhar underline kariye, adapt itself according to the changes in the environment. Beta second line ko, puri line ko box mein daliye, box mein. It allows the organization structures to be suitably modified and the revision of interpersonal relationship among the members. Beta main samjhata hu aapko. Hum logo ne bahut questions kiye ki pehle ek organization functional structure karti thi, फिर एक ऑर्गेनाइजेशन ने एक्सपेंशन कर लिया और उसने अपने स्ट्रक्चर को फंक्शनल से डिविजनल पे कर दिया और सब लोगों को बता दिया कि ये चेंजेस हमारे में हुए. तो कहने का मतलब क्या हुआ, ये सब तभी पॉसिबल है जब एक ऑर्गेनाइजेशन में ऑर्गेनाइज तरीके से काम हो रहा है. तो मैंने क्या बोला, ऑर्गेनाइजिंग अलाउज द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर टू बी मॉडिफाइड. फंक्शनल से डिविजनल पे, डिविजनल से फंक्शनल पे, फंक्शनल से और फंक्शंस को ऐड करना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. इट अलाउज द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर टू बी मॉडिफाइड and the revision of interpersonal relationship amongst the members. Raghav, समझ में आई ये line? Yes sir. ठीक है, ये line को important mark करिए, ये हम MCQs में भी आ सकती है. बेटा मैंने आपको request भी की थी, please keep a highlighter. अगर हो सके तो अपने पास highlighter को रखिए बच्चों. आगे चलते हैं next point पे. हाँ,
it also provides the much needed stability to the organization. Next पे चलते हैं effective administration. Organizing provides a underline करिए clear description of jobs and duties. This helps to avoid confusion and duplication. Clarity in working relationship enables proper execution of work. Management of enterprise thus becomes easy. Okay. Development of personnel. Organizing stimulates creativity amongst the managers. Effective delegation allows the managers to reduce their workload. Underline the effective delegation ko reduce their workload by assigning jobs to their subordinates. This reduction in workload by delegation gives them the chance, the time to explore areas for growth and development. This strengthens the company's image. Delegation also develops in the subordinates the ability to deal effectively with the challenges. So, दोनों की development होती है, managers की भी और subordinates की. Last point, expansion. Organizing helps in the growth and diversification of the enterprise. It allows the business enterprise to add more job positions, departments, and even diversify, etc. बच्चों इसकी conclusion पे आ जाओ और पूरी conclusion को most important mark करो. मैं पढ़ता हूँ उसको. पूरी conclusion को box में डालिए और most important mark करिए. Thus, organizing is a process by which manager brings order out of chaos, removes conflicts, and etc. etc. बच्चों बहुत बार ये question आया है. It is a process by which the manager brings order out of chaos. और बच्चे इसमें management लिखा है, coordination लिखा है, zero marks मिले हैं. तो please इसको mark करिए. बहुत important question है. इट इज अ प्रोसेस मतलब ऑर्गेनाइजिंग वर्ड को हाईलाइट सॉरी हाइड कर देंगे और क्वेश्चन आएगा लाइन आएगी इनवर्टेड कॉलम्स में इट इज अ प्रोसेस बाय व्हिच मैनेजर ब्रिंग्स ऑर्डर आउट ऑफ क्योस एक्सप्लेन बाय हाईलाइटिंग द इंपॉर्टेंस तो बच्चे यहाँ मैनेजमेंट दिखाते हैं कोऑर्डिनेशन दिखाते हैं इसका साफ सुथरा आंसर ऑर्गेनाइजिंग है मार्क करिए इसको वेरी इंपॉर्टेंट ओके बच्चों अब हमारा इस चैप्टर में सिर्फ तीन वन मार्कर्स बचे हैं वो देख लेते हैं एक बार देखिए कम टू पेज नंबर 5.3 पे हमने ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर की डेफिनेशन की थी 5.4 पे आ जाओ मैंने आपको ये बीसीडी छुड़वा दिया था पहले ना बीसीडी छुड़वा दिया था तो वो आज हम पढ़ेंगे इतना सा पढ़ के आज हम इस चैप्टर को वाइंड अप करेंगे तो बच्चों जो बी सी था सॉरी बी और सी था बी तो जो पॉइंट है ये तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है इसको तो आप वैसे एक बार पढ़ लीजिए बट जो सी पॉइंट है इसको मैंने बॉक्स में भी डाला हुआ है ये बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो सी पॉइंट है हमारा जिसको मैंने बॉक्स में भी डाला हुआ है ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसके दो वन मार्क क्वेश्चंस भी बनेंगे वो भी मैं लिखवाऊंगा पहले हम बी पढ़ते हैं व्हाट इज द नीड एंड इंपॉर्टेंस ऑफ अ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर तो आइए पीटर ड्रकर एक पर्सन थे एम्फेसाइजेस ऑन द इंपॉर्टेंस ऑफ हैविंग एन एप्रोप्रिएट ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर ही सेज दैट ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इज एन इंडिस्पेंसेबल मींस तो बच्चों इंडिस्पेंसिबल का क्या मतलब होता है इंडिस्पेंसिबल का मतलब क्या होता है कोई बताएगा इंडिस्पेंसिबल का मतलब अनन्या बताएगी इंडिस्पेंसिबल का क्या मतलब होता है इंडिस्पेंसिबल इंपॉर्टेंट नहीं ये क्या बोला आपने वांटेड इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट ठीक है हाँ इंपॉर्टेंट कह सकते हैं इंडिस्पेंसिबल का मतलब होता है समथिंग दैट कैन नॉट बी एलिमिनेटेड कुछ ऐसी चीज जिसको हम एलिमिनेट नहीं कर सकते तो ये कह रहे हैं कि लिख लीजिए बच्चों समथिंग दैट कैन नॉट बी एलिमिनेटेड एसेंशियल इंपॉर्टेंट लिख सकते हैं तो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इज एन इंडिस्पेंसिबल मींस एंड द रॉन्ग स्ट्रक्चर विल सीरियसली इंपेयर द बिजनेस परफॉर्मेंस एंड कैन इवन डिस्ट्रॉय इट तो क्या कह रहे हैं कि ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है अगर किसी कंपनी ने अपना स्ट्रक्चर गलत बना दिया तो उसकी परफॉर्मेंस खराब हो जाएगी और हो सकता है कंपनी खत्म भी हो जाए जैसे घर की बात करें अगर घर की हमारा जो सिविल स्ट्रक्चर है वो अच्छा नहीं बना वो वीक है उसमें क्रैक्स है तो चाहे एक स्टोरी की बिल्डिंग हो क्यों ना हो चाहे एक फ्लोर की बिल्डिंग हो वो गिर जाएगी लेकिन अगर हमारा सिविल स्ट्रक्चर अच्छा है तो बुर्ज खलीफा जैसी जो बिल्डिंग है वो खड़ी रहेगी तो कहने का मतलब क्या है कि हमारा जो स्ट्रक्चर है वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को बहुत इंपॉर्टेंट है द फॉलोइंग पॉइंट्स हाईलाइट द नीड एंड इंपॉर्टेंस ऑफ एन एप्रोप्रिएट ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर ये जो चार पॉइंट्स है सिर्फ रीड करना है ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है A proper organization structure is essential to ensure underline करिए smooth flow of communication and control. सिर्फ lead कर लीजिए ज़्यादा important नहीं है. Second, an organization structure provides a framework which enables the enterprise to function as an integrated unit by regulating and coordinating the activities. तो underline करिए regulating and coordinating the responsibilities. मतलब अगर अच्छा structure होगा तो coordination अच्छी हो जाएगी. Third, an effective structure will result in increased profitability. Underline करिए increased profitability.
And fourth, the need for an educated organization structure is felt when the organization grows in size. So underline करिए grows in size. तो ये एक बार read कर दीजिए, ज़्यादा important नहीं है. But what is most important is C part, and that is span of management. बच्चों यहाँ ध्यान दीजिएगा, इसके ऊपर बहुत बार one mark का questions आया है. बस 5 मिनट और ध्यान दीजिए. मेरे को बताइए आपके हिसाब से span of management का मतलब क्या होगा? Span of management का मतलब क्या होगा आपके हिसाब से? कोई बताएगा span of management का मतलब क्या होगा? बताया ना, बताना चाहेगा कोई? राघव बताएगा? आद्य बताओ क्या span of management का क्या मतलब हुआ? आर्यन सर की कितने सबऑर्डिनेट एक सुपीरियर के अंदर काम कर सकते हैं? सात्विक बोल रहे हैं? नहीं, सात्विक बोलना मेरे को समझ नहीं आया. क्या कहा आपने? कि कितने सबऑर्डिनेट एक सुपीरियर कितने सबऑर्डिनेट को कर सकते हैं? मतलब टाइम से नहीं होता. कौन सा टाइम से होता? स्पैन तो टाइम से नहीं होता. स्पैन का मतलब देखिए, टाइम से स्पैन का मतलब होता है टाइम स्पैन वाला. यहाँ पे स्पैन ऑफ मैनेजमेंट का मतलब बहुत अच्छा बता दिया सात्विक ने. कितने लोगों को एक मैनेजर अच्छे से मैनेज कर सकता है? जैसे मेरी अगर मैं स्पैन ऑफ टीचिंग की बात करूं तो मैं कह सकता हूँ माय स्पैन ऑफ टीचिंग इज, जैसे लाइक आई से माय स्पैन ऑफ टीचिंग इज 40 स्टूडेंट्स. दैट मींस एक बारी में मैं 40 स्टूडेंट्स को अच्छे से हैंडल कर सकता हूँ. तो अगर कोई मैनेजर कह रहा है कि माय स्पैन ऑफ मैनेजमेंट इज 20 इंडिविजुअल्स, दैट मींस कि वो एक बारी में 20 सबॉर्डिनेट्स के ऊपर अच्छे से वॉच रख सकता है. तो स्पैन ऑफ मैनेजमेंट का मतलब तो समझ में आ गया दैट इट रेफर्स टू द नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स दैट कैन बी इफेक्टिवली मैनेज्ड बाय अ सुपीरियर. बट अब क्वेश्चन उठता है कि इसका हमारे ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर से या हमारे ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर से इसका क्या लेना देना है? स्पैन ऑफ मैनेजमेंट का मतलब आ गया समझ में, लेकिन इसका रिलेशन क्या है ऑर्गेनाइजिंग ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर से और ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर से? कोई बताएगा मेरे को? बताइए मेरे को क्या इसका रिलेशन है? बताना चाहेगा कोई? देखो बच्चों, स्पैन ऑफ मैनेजमेंट का रिलेशन ये है. स्पैन ऑफ मैनेजमेंट से हमें ये पता चलेगा कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में कितने लेवल्स होंगे. जैसे मान लीजिए सबसे नीचे 12 सबॉर्डिनेट्स है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. और इस लेवल पे स्पैन ऑफ मैनेजमेंट है 3 सबॉर्डिनेट्स पे 1 सुपीरियर. तो इससे मेरे को पता चल गया कि इसके ऊपर मेरे को कितने सबॉर्डिनेट सुपीरियर्स चाहिए? 4. ठीक है जी. अब मान लीजिए यहाँ पे स्पैन ऑफ मैनेजमेंट है 2-3 सबॉर्डिनेट्स पे 1 सुपीरियर या 2 सबॉर्डिनेट्स पे 1 सुपीरियर. तो मुझे यहाँ पता चल जाएगा कि यहाँ मुझे कितने लेवल कितने लोग चाहिए. मैं कहता हूँ कि इस लेवल पे भी मुझे पता चला कि यहाँ पे मेरे को कितने लोग चाहिए. तो कहने का मतलब क्या है, स्पैन ऑफ मैनेजमेंट से हमें ये पता चलता है कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में कितने लेवल्स बनेंगे. हमारा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर नैरो बनेगा या ब्रॉड बनेगा. तो क्या मैं कह सकता हूँ स्पैन ऑफ मैनेजमेंट gives shape to our organization structure. फिर से बोलता हूँ, span of management gives shape to our organization structure. It determines how many levels will be there in our organization structure. ये समझ में आया बच्चों? Okay, और वहाँ पे दो क्वेश्चन लिखिए, जहाँ पे C part है वहाँ पे दो one marker क्वेश्चन लिखिए ऊपर. पहला one marker क्वेश्चन तो है, What do you understand by span of management? सेकेंड वन मार्क का क्वेश्चन लिखिए, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन स्पैन ऑफ मैनेजमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर? व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन स्पैन ऑफ मैनेजमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर? आइए बच्चों दोनों क्वेश्चन के आंसर को रीड करते हैं. सबसे पहला आंसर, स्पैन ऑफ मैनेजमेंट, इसका एक और नाम होता है ऑल्सो नोन एज स्कोप ऑफ मैनेजमेंट. लिख लीजिए वहां पे स्पैन ऑफ मैनेजमेंट का एक और नाम लिखा हुआ, हाईलाइट कर लीजिए, स्कोप ऑफ मैनेजमेंट. सर एक बार क्वेश्चन रिपीट कर दो सेकंड वाला. ओके, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन स्पैन ऑफ मैनेजमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर? बेटा बड़ा बड़ा बोल्डली लिख लीजिए स्पैन ऑफ मैनेजमेंट को, जो स्कोप ऑफ मैनेजमेंट भी कहते हैं. Also known as scope of management refers to the पूरी लाइन को अंडरलाइन करिए, number of subordinates that can be effectively managed by a superior. बहुत बार वन मार्कर्स में पूछा गया है. जो next line है वो second answer question के answer है. The span of management gives shape to our organization structure. It determines the levels of management in the structure.
इट डिटरमाइंस द लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट इन द स्ट्रक्चर. तो आपका दोनों क्वेश्चंस वन मार्कर में आ सकता है, दोनों मिलके भी वन मार्कर में आ सकता है. अब बच्चों एक बार इधर ध्यान दीजिएगा बोर्ड पे, मुझे कुछ चीजें, हमारा चैप्टर फिनिश हो गया, मुझे कुछ चीजें आपके साथ डिस्कस करनी है. प्लीज अभी कोई लीव नहीं करेगा क्लास. अब बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ध्यान दीजिए. ठीक है बच्चों, इस चैप्टर में से आपको सब कुछ करना है, सिर्फ आपको फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन छोड़नी है. सबसे पहला पॉइंट, आपकी कल क्लास है संडे 3:30 से 5, और कल हमारा नया चैप्टर स्टाफिंग शुरू होगा. ठीक है, मंडे को आपका 1 बजे टेस्ट है, 1 से 2, और टेस्ट आपका सब्जेक्टिव है, ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर है. ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर का सब्जेक्टिव टेस्ट है, आपको लिख के मेरे को भेजना पड़ेगा. तो आप लोग अपना वो पेन एंड पेंसिल वगैरह सब कुछ लेके बैठेंगे. अब इन इसकी दो जो टेस्ट हो जाएगी, ये वाला भी और प्लानिंग भी, मैं दोनों की डिस्कशन अगले वीक रखूंगा. आज मैं रख नहीं पाया क्योंकि मेरे पास चैप्टर फिनिश कराना था. अब जो बच्चों के मन में डाउट आ रहा है कि सर हमारा कोर्स, देखो वैसे तो हमारा कोर्स आज एग्जैक्टली 49% कोर्स खत्म हो गया. अकॉर्डिंग टू द वेटेज जो भी हमारे चैप्टर्स खत्म हुए, 49% हमारा कोर्स खत्म हो गया है. लेकिन अब आप लोगों के एग्जाम्स आ रहे हैं अगले महीने से, तो उसके लिए मैं आपको थोड़ा सा आइटनरी बता रहा हूँ कि कैसे कैसे हमारी क्लासेस चलेगी. देखो बच्चों, स्टाफिंग चैप्टर तो मैं करवा रहा हूँ, कल से शुरू हो रहा है लाइव क्लास में, हम वो लाइव क्लास में करेंगे. स्टाफिंग लाइव क्लास में चलता रहेगा. उसके बाद डायरेक्टिंग जो चैप्टर है हमारा, वो लाइव में तो चलेगा ही चलेगा, लेकिन मैं उसके वीडियोस बना रहा हूँ, मैं कुछ वीडियोस बना रहा हूँ. और मेरा ये टारगेट है कि आज हो गई है 30th तक, 30 अगस्त तक मैं पूरा चैप्टर का वीडियोस बना दूंगा, और आप मतलब उससे पहले ही बना दूंगा, और आपको वो वीडियो सेंड करता रहूंगा उन बच्चों को जिनके एग्जाम्स है. तो वो प्रॉपर वीडियोस जैसे चैप्टर नंबर 1 के थे, वैसे वीडियोस आपको मैं देता रहूंगा. 30th से पहले ही दे दूंगा पूरे चैप्टर के. तो जिसका एग्जाम है सिर्फ उन बच्चों के लिए, वो जल्दी देख ले, और जिनका एग्जाम नहीं है वो अपनी क्लासेस में तो उसको चैप्टर को कर ही देंगे. तो ये हो गया हमारा ये चैप्टर, प्लस मैं कंट्रोलिंग के भी आपको वीडियोस दूंगा. तो 30th ऑफ अगस्त तक मेरा टारगेट है कि मैं चैप्टर नंबर 7 और 8 दोनों के वीडियोस आपको प्रोवाइड कर दूंगा. तो जिनका भी एग्जाम सितंबर में, उनको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, पूरा फर्स्ट बुक के पूरे चैप्टर्स मैं आपको करवा दूंगा, इधर इन लाइव क्लासेस और थ्रू वीडियोस. ठीक है बच्चों, अब आई बात ऑर्गेनाइजिंग के एमसीक्यूज की. ऑर्गेनाइजिंग के एमसीक्यूज विद इन 2 डेज, मंडे के एक दो दिन बाद मैं आपको एमसीक्यूज का असाइनमेंट भेजूंगा, वो आप अपने घर पे करें. ठीक है बच्चों, किसी के मन में कोई डाउट है, कुछ पूछना चाहते हो रिगार्डिंग क्लासेस एक्सेट्रा कुछ भी, ठीक है. हमारी फर्स्ट बुक खत्म, हमारा ही टारगेट है कि हम जल्दी से फर्स्ट बुक को खत्म करके सितंबर एंड से पहले पहले ही जल्दी से फर्स्ट बुक को खत्म करके फिर हम अपनी सेकंड बुक के जो 3 चैप्टर है उनको खत्म. अगर हुआ तो एक चैप्टर को वीडियो से कर लेंगे और डायरेक्टिंग को, और आगे हम क्लासेस में कुछ और शुरू करेंगे. ओके चलिए बच्चों, तो मंडे को टेस्ट है आपका, उसकी प्रिपरेशन शुरू कर दीजिए, कोई बहाना नहीं चलेगा. कल की क्लास 3:30 बजे है, मैं आपको अभी उसकी सॉफ्ट कॉपी भेज दूंगा स्टाफिंग चैप्टर. ओके बाय बाय, हैप्पी गणेश चतुर्थी टू ऑल ऑफ यू, एंजॉय योर डे. ठीक है, जिसको कुछ पूछना है वो रुक जाइए, जिसको कुछ नहीं पूछना वो चल. बाय बाय. Bye, sir. Bye-bye, brother.